जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। वैसे तो नासिक में बहुत सारी प्लेसेस है जहां आप घूम सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। हम आपको आज एक ऐसे ही ऑफबीट लोकेशन पे लेके आए हैं जिसका नाम है चामरलिनी हिल। आज हम ट्रैकिंग के लिए चामरलिनी हिल आए हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक ज़िले में गुजरात हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप नासिक से नहीं हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नासिक रेलवे स्टेशन आना होगा। उसके बाद आप वहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप इस पहाड़ी पर आ सकते हैं। हम हिल पर पहुंच चुके हैं और हिल के आसपास हमने देखा कि कोई भी शॉप नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है, पर एक जूस वाले काका हैं जो सुबह और शाम यहां पर उपलब्ध रहते हैं। आप चाहें तो यहां आइए, जूस पीजिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लीजिए, उसके बाद आप यहां से चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से ट्रैकिंग करने के लिए 3 रास्ते हैं। एक ये है, दूसरा ये वाला, तीसरा वो रास्ता जहाँ से हम ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब उस तीसरे रास्ते चलते हैं जहाँ से हम ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। अभी हम इस हिल की तलहटी पे हैं और हमने अपनी व्हीकल यहीं पार्क कर दी है, पर कुछ लोग यहाँ से 500 मीटर पहले अपनी व्हीकल को पार्क करते हैं, वहाँ से यहाँ तक बाई वॉक आते हैं। अगर आप चाहें तो 500 मीटर पहले ही अपनी व्हीकल को पार्क करें, वहाँ से बाई वॉक यहाँ तक आएँ, या फिर अपने व्हीकल को इस हिल की तलहटी तक लेके आएँ, उसके बाद यहाँ पार्क करके आप ट्रैकिंग का मज़ा ले सकते हैं। अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ से आप ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। यहाँ कोई रोप वे नहीं है, ना ही कोई लिफ्ट की सुविधा है, तो आपको यहाँ से आगे को सीढ़ियाँ चढ़ के ही जानी पड़ेंगी। जो नीचे जूस वाले काका मिले थे, वहां से जो 2 रास्ते आते हैं उनमें से एक रास्ता ये है और एक इसके बगल से ही पास में से दूसरा रास्ता आता है, जो दोनों रास्ते इन्हीं सीढ़ियों पर आके मिलते हैं। फिर यहाँ से आगे आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ही जानी है। आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, इस हिल में एक सुप्रसिद्ध जैन टेम्पल है, ये सीढ़ियाँ वहीं तक जाती हैं। अभी हम मंदिर तक तो नहीं पहुँचे, पर ये पहाड़ी के सेंटर से ही एक वॉकिंग पाथ जाता है जो कि पहाड़ी के चारों तरफ घूमते हुए इसी जगह आके मिलता है। सीढ़ियाँ पूरी चढ़ ली हैं, कहीं कहीं तो लगा कि जैसे 80 डिग्री इंक्लाइन है, और ये रहा वो जैन टेम्पल। कहते हैं इस जैन टेम्पल को 4th सेंचुरी में बनाया गया था, बट कुछ लोगों का मानना है
किस जैन टेंपल को मैसूर के राजा चामराज ने 600 BC में बनाया था। ये मंदिर तीर्थराज गजपंथ का ही एक भाग है, जो कि जैन लोगों के लिए एक होली प्लेस है। मंदिर में कैमरा ले जाना मना है, इसलिए हम आपको अंदर की वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे। मंदिर तक आने के लिए आपको सीढ़ियां तो मिल गई, पर मंदिर से शिखर तक जाने के लिए आपको सीढ़ियां नहीं मिलेंगी, आपको ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ेगा। अभी हम मंदिर से थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं और यहां से आप पूरे नासिक सिटी का व्यू देख सकते हैं। शिखर अभी बहुत ऊपर है यार, पर यहां से आप नासिक सिटी को अच्छे से देख सकते हैं। जब भी आप लोग यहां आए तो दो बातों का खास ध्यान रखें। पहली कि अपने साथ पानी की बोतल लेके आए, क्योंकि यहां पानी आसपास कहीं नहीं मिलता। दूसरी, जो शू लेके आए उनमें ग्रिपिंग होनी चाहिए। अगर आप ग्रिपिंग वाले शू पहन के नहीं आएंगे तो हो सकता है आप यहां से लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच जाएं। पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है इधर तो यार। अभी पहाड़ी का शिखर कुछ ही दूरी पर है, चलो अब आपको वहां चल के दिखाते हैं। लो, फाइनली हम पहुंच गए शिखर पर, मजा आ गया। अगर आप यहां ट्रैकिंग के लिए आना चाहते हैं और मन बना लिया है यहां आने का, तो थोड़ा सा पैरों में जान और स्टेमिना लेके आइएगा। ज्यादा चढ़ाई नहीं है, तलहटी से शिखर तक आने में आपको 30 मिनट लगेंगे अगर आप कंटिन्यू ट्रैकिंग करते हैं तो। समय काफी हो गया, साथ में रेस्ट भी, चलो अब वापस के लिए प्रस्थान किया जाए। यहाँ आने और उतरने के लिए दो रास्ते हैं, एक से हम आए थे, अब दूसरे से हम उतरते हैं। अभी नासिक में बरसात के दिन है, पूरी पहाड़ी में फिसलन है क्योंकि अभी बरसात हुई है। हल्की हल्की बरसात हुई थी, ज्यादा तो तेज नहीं हुई थी, इसलिए अपने साथ ग्रिपिंग वाले शू पक्का लेके आना, नहीं तो पक्का ही लुढ़कते लुढ़कते नीचे ही पहुंचोगे। हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, डर लग रहा थोड़ा थोड़ा क्योंकि बहुत फिसलन है इधर पे। वैसे घूमने के लिए नासिक बारह मास कभी भी आ सकते हैं, पर अगर सबसे बेहतरीन दृश्य देखना हो तो उसके लिए आपको बरसात में ही आना होगा। अगर आप मेरी माने तो नासिक बरसात में घूमने आइएगा, बरसात के मौसम में नासिक सुहावना हो जाता है, बरसात में नासिक देखने लायक हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी आपको।
वैसे हम शिखर से तो उतर गए हैं, पर अभी भी हम हिल के सेंटर में ही हैं। हिल के सेंटर में चारों तरफ एक वॉकिंग पाथ है जहां आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ वृक्षावल्ली फाउंडेशन नाम की एक संस्था है। मेरे बगल में जो पेड़ देख रहे हैं ये उन्हीं ने लगाए हैं। इनकी खास बात यह है कि ये स्वदेशी हैं, बोले तो नीम, पीपल, बरगद आदि। ये संस्था प्रकृति और हमारी धरोहर को बचाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से हर संभव प्रयास करती है। इस हिल के चारों तरफ इस संस्था ने लगभग 10,000 पेड़ लगाए हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहें तो यहाँ आके अपना योगदान दे सकते हैं। हम आते समय सीढ़ी वाले रास्ते आए थे जो कि ये रास्ता है। अभी हम इस रास्ते चलते हैं जहाँ पर आपको जूस वाले काका मिलेंगे। लो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं इस हिल की तलहटी पर। आज संडे है तो काफी भीड़ रहती है, थकावट काफी हो गई है। चलो जूस वाले काका से एक नींबू पानी का ऑर्डर किया जाए। तो चलिए अब हमारा ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाते रहेंगे। शुरुआत से अंत तक हमारा ये व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।